बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया गया है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए रिंढाणा गांव के इंदुराज नरवाल उर्फ भालू को आज कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका नॉमिनेस फाइन करवाने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और अनेकों विधायक इस अवसर पर मौजूद रहे। और इस अवसर पर खास बात ये थी कि सभी के सभी नेता एक दूसरे से जुड़कर नज़र आए, मतभेद यहाँ पर कहीं नज़र नहीं दिखने को मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस के उम्मीदवार का नॉमिनेशन करवाने यहाँ पहुँचे थे और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह किरण चौधरी और गोहाना से जगबीर सिंह मलिक किस तरह गुप्तगु कर रहे हैं, एक ये चर्चा का विषय आज वहाँ पर रहा। इसके अलावा वहाँ पर असन से विधायक शमशेर गोगी जी भी यहाँ पहुँचे थे और इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के बारे में एक बड़ी बात कही और वो आपको हम सुनाएंगे। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जबानी ही आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए हैं दिख रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी पहुँचे थे और उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि एक अब की बार जो है बड़ौदा के गांव से ही हमने उम्मीदवार दिया है। हम लोगों से अपील करते हैं और उनसे हम उम्मीद भी करते हैं कि अब की बार जो है इंदुराज उर्फ भालू को यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार हमने बनाया है, इसे वोट देकर विधायक बनाने का काम करें। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने डॉक्टर कपूर सिंह के बारे में एक बड़ी बात कही। आपको हम अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही उसमें आपको सुनाएंगे। ऐसा है कि पिछली बार 2019 में पहले भी आया, मैं 2019 में ही आया था चौधरी श्री किशन हुड्डा के लिए। उस टाइम निवेदन किया था, हल्के ने मेरी इज्जत रखी थी और ये कहा था कि अगली बार बड़ौदे के आदमी को ही देना, मेरा वायदा था। तो मैंने पूरे हल्के की सम्मान में एक आम किसान कार्यकर्ता को टिकट दी है और अब मेरा बड़ौदा हल्के के लोगों से ये है अब वो मेरा सम्मान। आरोप लगाया कि मुझे मैं राजनीति का शिकार करा बीमारी करते हैं, कोशिश करते हैं टिकट को मिलती है, टिकट ना मिले तो शिकार हो जाते हैं। सर वो आजाद नामांकन किया, क्या उन्हें मनाएंगे कि वो आप लोगों का समर्थन करें? चलो मैं उनसे बात करूंगा। तो ये भूपेंद्र परिवार से होने के बावजूद, एक साधारण किसान परिवार, एक गरीब परिवार से होने के बावजूद कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा जो लोगों की सेवा में शराफत से हमेशा आगे रहा, ऐसे नौजवान को टिकट मिली है। ये जो है मैं समझता हूँ कि ये टिकट मेरे, मैं मानता हूँ कि केवल इंदुराज को ही नहीं, ये टिकट दीपेंद्र को मिली है। मुख्य मुद्दा क्या है? किसान की दुर्दशा, बेरोजगारी, बड़ौदा हल्के की अनदेखी, इस इलाके साजिश और षड्यंत्र की तरह इस इलाके की के नेतृत्व पे चोट मारने की कोशिश, घमंड में डूबी हुई ये सरकार और घमंड में डूबी हुई राजनीति, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मुख्य मुद्दा हरियाणा में परिवर्तन लाने का होगा, यहाँ से ताकत लेके जाएंगे और उस जो यहाँ से जनादेश मिलेगा, जनादेश की ताकत से हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल बजाने का काम बड़ौदा हल्के के लोग करेंगे।